जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहुल वैद्य और दीक्षा परमार की शादी के इवेंट्स हो चुके हैं शुरू। दोनों आजकल अपनी शादी की वजह से काफी चर्चाओं में हैं। राहुल और दीक्षा को कोविड के कारण अपनी शादी काफी लेट करनी पड़ी है, लेकिन अब ये खुलकर शादी के इवेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शादी पर अपने फैमिली फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स को इनवाइट किया और शादी पर इन्हें कई सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी मिले। आज की इस वीडियो में हम राहुल और दीशा के एक्सपेंसिव वेडिंग गिफ्ट्स के बारे में बात करें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप खुद भी इनके वेडिंग गिफ्ट्स देखकर और उनकी प्राइस जानकर हैरान रह जाएंगे। और अगर आपको इनका कपल अच्छा लगता है तो इस कपल के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। राहुल वैद्य, सबसे पहले बात करते हैं राहुल वैद्य के गिफ्ट के बारे में। शादी के अहम मौके पर राहुल ने अपनी पत्नी को दुबई में एक शानदार अपार्टमेंट गिफ्ट किया, जिसमें 3 लग्जूरियस बेडरूम्स, 1 किचन, 1 शानदार बैल्कनी जहां से बेहद खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, और साथ ही इसमें एक सेपरेट डाइन एरिया भी मौजूद है। और इस अपार्टमेंट को राहुल ने 50 करोड़ की भारी रकम में खरीदा है। अली कोनी, अली और राहुल की दोस्ती के बारे में तो सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिग बॉस के घर के अंदर ही दोनों की पक्की दोस्ती हो गई थी। शादी पर अली ने राहुल और दीशा को टिसॉर्ट का एक वॉच सेट गिफ्ट किया और इस वॉच सेट की कीमत थी पूरे 10 लाख रुपए। जैस्मिन भसीन, अली की वजह से जैस्मिन की भी राहुल और दीशा से बिग बॉस के बाद काफी अच्छी दोस्ती हो गई, और जैस्मिन ने राहुल को शादी पर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ सूट गिफ्ट किया, जिसकी प्राइस थी 5 लाख रुपए। नेहा कक्कड़, इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने के कारण राहुल और नेहा की भी आपस में काफी अच्छी दोस्ती है। नेहा ने राहुल को शादी की ढेर सारी मुबारकबाद दी और साथ ही इनकी पत्नी को अनीता डोंगरे की डिजाइन की हुई कुंदन की ज्वेलरी गिफ्ट की, जिसकी प्राइस थी 3 लाख रुपए। रोहित शेट्टी, हाल ही में राहुल खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का भी हिस्सा बने हैं। इस सीजन को कई बार रोहित शेट्टी होस्ट कर चुके हैं और इनकी कंटेस्टेंट्स के साथ काफी शानदार केमिस्ट्री देखने को भी मिलती है। रोहित ने शादी के मौके पर राहुल को प्योर लेदर जैकेट गिफ्ट की, जिसकी प्राइस थी 12 लाख रुपए। सलमान खान, बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने के कारण सलमान भी इस घर में आए सदस्यों को उनके स्पेशल मोमेंट्स पर कुछ न कुछ भेजते ही रहते हैं। राहुल और दीशा को उन्होंने शादी पर दुबई के वेकेशन ट्रिप के टिकट्स गिफ्ट भिजवाए और साथ ही होममेड केक भी गिफ्ट भिजवाया। नकुल मेहता, नकुल दीशा के साथ प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा सीरियल में काम कर चुके हैं और इस सीरियल को लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला, और दीशा और नकुल इस सीरियल में काम करने के बाद एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए। शादी पर नकुल ने दीशा को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया, जिसकी प्राइस थी 16 लाख रुपए। सुदीप साहिर, सुदीप के साथ भी दीशा ने वो अपना सा सीरियल में काम किया था, जिसके बाद दोनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। सुदीप ने दीशा और राहुल को शादी की ढेर सारी मुबारकबाद दी और साथ ही इन्हें गोल्ड बैंगल्स गिफ्ट किए, जिनकी प्राइस थी 1 लाख रुपए। कृष्णा वैद्य, कृष्णा राहुल के पिता हैं और शादी पर इन्होंने अपने बेटे और बहू को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया, बल्कि मंदिर के बाहर बैठे कई गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलवाया। निकी तंबोली, निकी और राहुल के बिग बॉस के घर के अंदर काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिली, लेकिन कभी कभी फैंस को इनके बीच तकरार भी नजर आया, लेकिन तंबोली ने हर बात पुरानी भुला कर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। निकी ने शादी पर दीशा को एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेकअप किट गिफ्ट की, जिसकी प्राइस थी 3 लाख रुपए। दोस्तों, ये थे राहुल और दीशा को शादी पर मिलने वाले एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। आपको इनमें से कौन से सेलिब्रिटी का गिफ्ट ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में लाजमी बताएं। और राहुल और दीशा के न्यूली वेड कपल के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा।